नमस्कार दोस्तों, उदयाना एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। कल मिली नवजात बच्ची को आज जिला प्रशासन द्वारा रस्मों रिवाज के साथ विदाई दी गई। बीते दिन सिविल अस्पताल में लगाए गए पालने में बच्ची मिलने के बाद जहां प्रशासन और अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा बच्ची की देखभाल की जा रही थी, वहीं सोमवार को फाजिल्का के उपायुक्त मनप्रीत सिंह छतवाल ने सिविल अस्पताल अबोहर पहुंचकर सबसे पहले बच्ची का हालचाल जाना और बाद में जिला प्रशासन द्वारा गठित की गई सी WC कमेटी के सदस्य मनोज त्रिपाठी और मैडम जसबीर ने बच्ची को गोद देने संबंधी सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी की। उपायुक्त ने उक्त कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नन्ही मंजिरा को फरीदकोट से आए श्री राधा कृष्ण अडॉप्शन एजेंसी के मैनेजर सुभाष चंद्र के हवाले कर दिया। इस मौके पर प्रशासन की ओर से बच्ची को पूरे हर्षोल्लास के साथ उपहार व खेलने के खिलौने और कपड़े इत्यादि देकर एजेंसी को सौंपा गया। DC साहब ने बताया कि कोई भी अभिभावक अब इस बच्ची को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही उक्त एजेंसी से ऑनलाइन आवेदन कर गोद ले सकेगा। DC ने अस्पताल में लगाए गए पालने की तारीफ करते हुए कहा कि अब क्षेत्र के लोग इस पालने के संबंध में जागरूक हो चुके हैं, इसी के चलते किसी प्रकार से बच्ची को लावारिस फेंकने की बजाय उसे पालने में डालना ही बेहतर समझा, उसके लिए वह तारीफ के पात्र हैं। उन्होंने बीती रात से ही बच्ची की देखभाल में जुटे अधिकारियों, डॉक्टरी टीम और संस्था सदस्यों को धन्यवाद किया। अडॉप्शन एजेंसी के सुभाष चंद्र ने बताया कि अभी 2 माह तक बच्ची एजेंसी के पास रहेगी और उसके बाद बच्ची को अडॉप्शन फ्री कर दिया जाएगा, जिसके बाद कोई भी अभिभावक सेंट्रल अडॉप्शन एजेंसी पर ऑनलाइन आवेदन कर इस बच्ची को कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए गोद ले सकेगा। बच्चियां प्रति अगे नालों सोच मानसिकता बहुत तब्दीली आती है, कई बार कुछ परिवार के हालात यहोजे होंगे जिसे पब्लिकली टिप्पणी नहीं करनी पड़ती सी, तो उस गल को मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन वालों, जिला प्रशासन वालों इस हस्पताल के सिविल अस्पताल के एक मुद्दा लाया गया, तो जिते रात 9:15 बजे 9:15 के करीब सू सूचना मिली कि कोई व्यक्ति या कोई और कोई भी इतने बच्ची को छुट के गया, तो इमीजिएटली लोकल SDO पूनम सिंह तो सिविल सर्जन उतों फाजिलका तो तुरंत इतने आए, बच्ची गोद च लिया गया तो वो टेक केयर की गई। रात को ही मैं इन्होंने नाल इन टच हाँ, तो बच्ची की पूरी मैडिकली टेक केयर, यदि डाइट का पूरा ध्यान रखा गया, तो जो फरीदकोट अडॉप्शन एजेंसी है आप हम अभी लीगल फॉरमैलिटी करके उन्होंने बच्ची सौंप दिती है, जो लीगल प्रोसीजर है उस तो बाद ऑनलाइन के उत्ते रजिस्टर होगी बच्ची, तो जोड़ा भी परिवार होगा जो मुताबिक है कि बच्ची उन्होंने फरदर पर विश्वास संभाल। सर, अबोहर तो बड़े लोग कल रात तो ही बड़े एक्टिव हो गए बच्चे गोद लैन वास्ते, उन्होंने वास्ते कोई प्रोसैस होएगा जी प्रशासन का? ये होंगे कि लीगली एक पोर्टल के उत्ते जेडे पेरेंट्स ने बच्चा लेना है उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करनी होती है, उस ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई होने तो बाद जो नंबर जनरेट होंगे उन्होंने वेटिंग लिस्ट बढ़ती है, वो हिसाब के नाल ही फिर अडॉप्शन एजेंसी उत्ते बुलाई है, उत्तर इंटरव्यू होती है, प्रोपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। वो हुण वो जमाने गए कि जिवें हुणे बच्ची मिली, असीं किसी नूं इत्थे सुभा दिंदे, वो प्रोसीजर नहीं।